वाओ आसिफ यार, वो देख वो सिंथेट आप रहा जहाँ बर्फ दिख रही है, बाकी ये देख लो, मतलब यार मतलब ठंड फील हो रही है यार, ठंड है बट कोई बात नहीं, जगह तो है ना, ठंड को हम इग्नोर कर लेंगे। ये देख लो यार, वाओ मैन। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे, एक दो फोटोज लेंगे, तो यहाँ से आप व्यू देख लो, मतलब वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं सिंथन टॉप, अभी टाइम हो गया है 10:16। तो ये रहा अपना बानीहाल काजीगंज टनल। कुछ दिनों से मतलब मूड बन रहा था सिंथन टॉप का, बट बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से थोड़ा ये राइड नहीं हो पा रही थी। सो फाइनली हम टनल से बाहर निकले। कश्मीर में भी मौसम अच्छा ही है, धूप है बट ठंड फील हो रही है। सर वेरीनाग साइड जाना है, वेरीनाग साइड, वेरीनाग। थैंक यू सर। तो अभी कानवाई आ रही है शायद, तो तभी यहाँ पे इन्हें रोक के रखा है। सो अभी हम पहुँचे हैं डोरू मार्केट में, तो यहाँ से हमें सीधे जाना पड़ेगा लिस्सर से। तो वैसे हम अनंतनाग से भी जा सकते हैं सिंथन, बट वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, तो यहाँ से नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम यहाँ से ही जाएंगे। हाँ, और एक बात, आज मैंने टैंक बैग भी लगाया बाइक पर, क्योंकि मतलब जब लॉन्ग राइड्स होती है तो फिर थोड़ा सामान का इशू रहता है, तो इस वजह से मैंने टैंक बैग ऑर्डर किया था राइनॉक्स का, तो 2200 का पड़ा है मुझे। थोड़े टाइम के बाद में इधर से आया, क्योंकि देखते हैं कैसी रोड्स बनाई है, क्योंकि एक दो साल से शायद इसका काम चल रहा है। देख लो कितना सही व्यू आ रहा है, वो वहाँ पर जो है वो डिग्री कॉलेज है डोरू का, बाकी बादल देख लो कितने सही आ रहे हैं। नहीं अब रोड अच्छी बनाई है, अब ये बात वो माननी पड़ेगी, रोड अच्छी बनी है। सो फाइनली हम रोड पे पहुंच गए जो कोकरनाग और सिंथन टॉप के लिए रोड जा रहा है, और डक्सुम के लिए ये रोड अच्छी है। ये देखो ऑफ रोड है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, वो तेरी हिमालयन है ब्रो। जितना मतलब जैसे आप कभी राइड पे जाते हो या कहीं जाते हो, जब मतलब अचानक से ऑफ रोड मिलता है ना, तब मज़ा आता है इस बाइक को भगाने में। ये देखो रोड का काम चल रहा है, मतलब चलो अच्छी रोड्स बनाएंगे। मुझे लगता है 4 लेन बनेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक बहुत होता है। चीज़ है 4 लेन होगी तो फिर आगे फिर और मज़ा आएगा यहाँ से। कितना सही है आगे, मुझे लगता है वहाँ सच में 2 बजे बारिश पड़ेगी। आई होप कि हम थोड़ा जल्दी पहुँचे। तो मैंने सोचा था हम कोकरनाग में रुकेंगे चाय शाय पीने के लिए, बट अब हम थोड़ा बाइक को थोड़ा सा पुश करेंगे, हम अब ये डक्सुम में सीधे रुकेंगे, डक्सुम में चाय पी के फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो ये हम पहुंच गए अभी कोकरनाग, तो यहाँ पे मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हो गार्डन है, बट अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, तो अभी हम सीधे सिंथन टॉप ही जाएंगे। तो हमने सोचा था हम यहाँ पे चाय पियेंगे, बट थोड़ा सा लेट हो गया भाई। इधर भी देख ले, इधर से भी गाड़ी आती है, तो मतलब लोग देख लो सिर्फ लेफ्ट साइड देख रहे हैं, राइट साइड से जैसे गाड़ी आएंगी ही नहीं। तो बट रोड अच्छी बनी है, बट बीच बीच में मुझे ये नहीं पता इन्हें ऑफ रोड पैच क्यों रखे हैं। मुझे लगता है इनको पता था एक हिमालयन वाला यहाँ आएगा, उसको बीच में ऑफ रोड भी मिलेगा, मज़ा आएगा बाइक चलाने में। तो अब मतलब 1-2 साल में ये रोड सही बनेगा, मुझे लगता है इसी साल इसको ये कंप्लीट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा आगे आगे शायद डक्सुम यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले मैं चेक करूँ कैमरा चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में हैंग हो रहा है। ये डक्सुम है, तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से वहाँ से आके, पहले हम चाय पियेंगे इतनी अच्छी जगह। हाँ, तो मतलब जो जम्मू कश्मीर की जो राइडिंग कम्युनिटी है, मतलब ये दिन ब दिन ख़राब हो रही है। तो मतलब आपको पता है, मतलब कुछ लोग ऐसे बाइक चला रहे हैं
चलो मतलब सबका ठीक है, सारे चलाते हैं, हमने भी चलाई है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने नहीं चलाई है, बट हाँ हमने वो चीज़ें कैमरा में नहीं दिखाई कि हमने मतलब हम अपनी वजह से और 10 लोगों को मतलब वो ना मतलब खतरे में डालते हैं। मतलब जो हम करेंगे, मतलब अगर मुझे लोग देख रहे हैं, अगर मैं गलत करूँगा मुझे देख के 10 लोग वही चीज़ें वो करेंगे, तो इसलिए मतलब अगर हम अच्छे से चलेंगे और जो ये राइड मतलब राइडिंग कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की ये आगे बढ़ेगी, अगर यही सब चीज़ें हो रही है जो आजकल हो रही है, तो एक दिन मतलब राइडर्स मतलब पहले ही ऐसे मतलब कोई अच्छे से बात नहीं करता है राइडर्स से, तो फिर मतलब अच्छे से मतलब उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा राइडर्स को। तो ये है डगसुम, तो आगे रुकते हैं कहीं पर जहाँ पर अच्छा होटल होगा। बाकी मुझे नहीं पता मैंने कुछ ज़्यादा ज्ञान पहला या कुछ, बाकी जो मुझे लगा तो मैंने वो बोल दिया। कहाँ पे रुकेंगे, शायद आगे यहाँ पे कुछ मूड ही नहीं बना, कुछ वाइब ही नहीं आई, जहाँ पे वाइब आएगी रुकने की हम वहाँ रुकेंगे, क्योंकि थोड़ा खा पी के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, मिलता है बट मुझे नहीं लगता आज वहाँ पे मिलता होगा, ये लास्ट है भाई। तो यहाँ पे रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर चलेंगे उधर उतर। ओए सुनना, नमकीन चाय बोल है, अभी नमकीन चाय पीने का मूड है, फिर आगे सिंधन चलते हैं। ये ला यार, ये उठा के ला राइन, ये देखो मतलब छोटा है ये राइनॉक्स का बैकपैक, तो इसमें बड़ा भी एक आता है, बट अभी मुझे उस चीज़ की नीड नहीं है। तो अपनी चाय आ गई, नमकीन चाय और रेड बटर, तो ये अपनी बाइक यहाँ पे लगी है और यहाँ से व्यू देख लो, डक्सू में रुके हम अभी। सो अपनी चाय हो गई, तो ये चीज़ भी इसमें सही है, मतलब फ़ोन के लिए इतनी टेंशन नहीं रहती है, फ़ोन कहाँ रखेंगे। चलो आजा, तो अभी हमारी बाइक चली है घर से यहाँ तक 66 किलोमीटर, कोई बात नहीं सर, जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, चलो थैंक यू सर। तो यहाँ पे ट्रैफिक वाले रोक रहे, कुछ रोड का इशू है शायद, मतलब वहाँ पे वो अभी मैं जहाँ चाय पी रहे थे तो वहाँ पे बोल रहे थे वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, अब हम आराम से ही चलेंगे। बाकी ये देख लो यहाँ से ही अपनी खूबसूरती स्टार्ट हो गई, तो इन्हें बोला थोड़ा सा जल्दी आना लगभग 1-2 बजे तक। तो अभी डगसुम से हम थोड़ा सा आगे आए, तो यहाँ से देख लो यहाँ पे मतलब कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ ली थी, मतलब अच्छी जगह है, यहाँ से देख लो व्यू कितना प्यारा आ रहा है, फ़ोटो उठाए उधर से आके उठाएंगे। तो अभी हम सीधे सिंधनडा भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ अभी जो ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका था उन्हें बोला था जल्दी आना, क्योंकि रोड बंद है, तो वहाँ पे फिर बर्फ़ पड़ती है, तो इस वजह से मतलब एक बजे के बाद हम गाड़ियाँ नहीं छोड़ते हैं। बाकी ये देख लो सामने कितने सही लग रहा है व्यू, वाह मतलब इतनी प्यारी जगह है क्या ही बोलूं। आप जब खुद आओगे तो खुद आपको पता चलेगा। तो पिछले साल हमने एक ट्रिप की थी सिंधनडा के लिए, तब हमारे पास लगभग 9-10 बाइकें थी, तो तब मज़ा आया था, बट जो मेरा बेस्ट मतलब विजिट है सिंधनडा को, वो मैं जब स्कूल से आया था, हम 10th में आए थे स्कूल से, थैंक यू, हम स्कूल से आए थे मतलब 10th क्लास में पढ़ते थे, मतलब वो ट्रिप मेरे को कभी नहीं भूलेगी सिंधनडा की। तो बाकी आपको अच्छे अच्छे गाड़ी वाले भी मिलते हैं, मतलब इन्हें अच्छे से बेचारे ने जगह दी, खासकर जब आपके पास कैमरा लगा हो, तो जब जिस टाइम में देखते हैं कैमरा लगा है तो उस टाइम पता नहीं कौन सा भूत इनके अंदर आता है यार, मतलब अलग ही, गाड़ी वाला होगा तो वो अलग तरीके से गाड़ी चलाता है,
तो बाइक वाला होगा वो जैसे मुजरा करता है बाइक पे, मतलब कैमरा देख के, चलो कुछ लोग मतलब अच्छी हरकतें करते हैं ये अच्छी बात है, तो इस चीज़ से पता चलता है मतलब वो कैसे हैं, आपकी हरकतों से पता चलता है आप मतलब कैसे हो, इसलिए अपनी हरकतें अच्छी रखो। अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए तो मतलब पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा है, तो वो सिंथन टॉप है, उसी साइड में जाना है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है कल ही, तो मतलब हाथों में ठंड लग रही है। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो मतलब सर्दियों वाले ग्लव्स है वो मैंने साथ लाए थे, क्योंकि मुझे पता था ये सब होने वाला है, तो ये चीज़ मैंने अच्छी की, मैंने ये वाले ग्लव साथ लाए, अब यही लगाएंगे, अब थोड़ी कम ठंड लगेगी। सबसे पहले नेटवर्क भी चले गया, नो सर्विस बता रहा है, तो बड़े टाइम से एक ही गाना रिपीट पे चल रहा है, तो अब ऑफलाइन सुनना पड़ेगा। ये वाला जो मैं गाना सुन रहा हूँ ना, तो ये वाला गाना मैं इस वीडियो में भी डालूँगा, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा गाना सुन रहा था मैं। अब थोड़ा सही लग रहा है, आजा। तो ये जो गाना मैं खुद को सुन रहा हूँ, ये गाना इस वीडियो में आएगा, मतलब अभी आपको शॉर्ट्स मिलेंगे देखने को, तो उसमें मैं यही गाना डाल दूंगा, आपको भी पता चलेगा। आपको दिख रहा है इस वाले रोड से, मतलब थोड़ा सा ऑफ रोड मिल रहा है बीच बीच में, बाकी रोड अच्छी थी। बर्फ़ देख लो, मतलब अभी भी बर्फ़ है ऊपर, तो कल ही बर्फ़ पड़ी है। ये देखो यहाँ पे कैसा व्यू आ रहा है यार, आसिफ भाई वाओ, आसिफ यार वो देख, वो सिंथन टॉप रहा जहाँ बर्फ दिख रही है, बाकी ये देख लो मतलब यार। मतलब ठंड फील हो रही है यार, ठंड है बट कोई बात नहीं, जगह तो है ना, ठंड को हम इग्नोर कर लेंगे। ये देख लो यार, वाओ मैन, यहाँ पे एक दो फोटोज लेंगे, तो यहाँ से आप व्यू देख लो, मतलब कितनी प्यारी जगह है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही है, बट चलो मैंने ये ग्लव साथ लाए थे। सो अभी हम रुके थे यहाँ पे, एक तो हमने थंबनेल निकाली, फ़ोटोज़ वगैरह भी ली, तो अगर आप इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो वहाँ पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी पोस्ट्स आती है हमारी, तो यहाँ से देख लो व्यू, वो जो दिख रहा है वो सिंथन टॉप है, वहाँ जाना है हमें, तो चलते हैं। अब बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी थी क्योंकि ठंड है, तो इंजन हीट जो मेरे को दिखा रहा है टेम्परेचर इस टाइम 70 ही दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने बाइक स्टार्ट ही रखी, क्योंकि फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए बाइक स्टार्ट ही रखी। तो चलो अब चलते हैं।